हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ए1 स्टडीज़ पे। तो दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब्स की लेटेस्ट अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहां पे आपको डेली 2 से 3 वीडियो मिलते हैं जिसमें गवर्नमेंट जॉब्स की लेटेस्ट वैकेंसी रिक्रूटमेंट के साथ साथ आपको स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जो है वो इसरो में आई है रिक्रूटमेंट, नहीं तो उसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइजेशन है इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो, ISRO। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं 85। डिटेल आपको बता देता हूं, टेक्नीशियन की 78 पोस्ट हैं, टेक्नीशियन बी की, साइंटिफिक असिस्टेंट ए की एक पोस्ट है, कैटरिंग अटेंडेंट की एक पोस्ट है, कुक की 2 पोस्ट हैं, कुक ए, और साइंटिफिक इंजीनियर SD की जो है 3 पोस्ट हैं। इसके बाद बात करते हैं, अप्लाई मोड ऑनलाइन रहेगा और ऑल इंडिया से कैंडिडेट इसे अप्लाई कर सकते हैं इस जॉब को। एप्लीकेशन फीस कुछ भी नहीं रहेगी सभी कैंडिडेट के लिए, और जो पे स्केल है वो 21,700 से लेके 69,100 पर मंथ रहेगा। एज लिमिट जो है कैंडिडेट की मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 35 साल होनी चाहिए, और एज रिलैक्सेशन के जो इंडिया के रूल्स हैं जो एज पर उनको बेनिफिट जरूर दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। टेक्नीशियन बी के लिए मैट्रिक पास होनी चाहिए विद ITI होनी चाहिए इन रेलेवेंट ट्रेड में, जो मतलब टेक्नीशियन की होनी चाहिए। और उसके बाद बात करते हैं साइंटिफिक असिस्टेंट ए की, BSc इन मल्टीमीडिया एनिमेशन विद फर्स्ट क्लास मार्क्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। मतलब BSc इन मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन में फर्स्ट क्लास होना चाहिए, मतलब 60% से ज़्यादा नंबर होने चाहिए और एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए BSc जो है। उसके बाद बात करते हैं कैटरिंग अटेंडेंट की। कैटरिंग अटेंडेंट की जो क्वालिफिकेशन है वो है हाई स्कूल, मतलब 10th पास होनी चाहिए रिकॉग्नाइज बोर्ड से, ठीक है दोस्तों। उसके बाद है कुक ए की वैकेंसी, इसमें भी हाई स्कूल से मतलब मींस 10वीं पास होनी चाहिए रिकॉग्नाइज बोर्ड से, प्लस 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए कैंडिडेट के पास जो कुक ए के लिए। उसके बाद बात करते हैं साइंटिस्ट इंजीनियर SD, इसमें कैंडिडेट की PhD होनी चाहिए, रेलेवेंट टॉपिक होने चाहिए, जो रेलेवेंट टॉपिक होना चाहिए वो होना चाहिए फील्ड इलेक्ट्रॉनिक्स, VLSI और माइक्रोवेव से रिलेटेड टॉपिक से PhD होना चाहिए कैंडिडेट साइंटिस्ट इंजीनियर SD के लिए। इसके बाद बात करते हैं स्टार्टिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। तो ये 12 मार्च से स्टार्ट हो चुकी है अप्लाई करना इसका, और लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की एप्लीकेशन वो है 2 अप्रैल 2018, ठीक है दोस्तों। इसके बाद बात करते हैं जॉब लोकेशन। जॉब लोकेशन रहेगी अहमदाबाद में, और मोड ऑफ सिलेक्शन रहेगा रिटन एंड स्किल टेस्ट। एक रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद एक आपका स्किल टेस्ट लिया जाएगा। उसके बाद अप्लाई कैसे करना है, हाउ टू अप्लाई, तो आपको इसरो की वेबसाइट पे जाना है। 12 मार्च से लेकर 2 अप्रैल के बीच में इसरो की वेबसाइट पे जाके आपको अप्लाई करना है अपना फॉर्म, और इस फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है उसके लिए मैं एक लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा। और एक बार फॉर्म भरने से पहले एक बार जरूर ऑफिशियल नोटिफिकेशन को जरूर पढ़ लीजिएगा, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा। तो दोस्तों, ये है आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकें। और ऐसी ही और लेटेस्ट वैकेंसी रिक्रूटमेंट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।